मूर्ख भीरू, पुनः तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्प माला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। राम भैया अंधेरा छा गया अब। प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव, जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम, मेरी सहायता कीजिए।
पिताश्री। स्वामी। स्वामी। भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूँ अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्युशय्या पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी यात्रा की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? पिताश्री, वाली भैया, भैरो, यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्भ से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धाराशाही हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो? दो साधारण धनुर्धारी तपस्वी बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं, आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई, फिर अकारण मेरा वध करना
क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं? मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी भेष में राम है जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है, तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आघेट कदापि अनुचित नहीं। बाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो, अपने अनुज को अन्याय पूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। परंतु इस आयोग को बात सुग्रीव से आपने मित्रता क्यों की? मैंने पूर्व में भी रावण को पराजित किया है। आप मुझसे मैत्री करते तो मैं अति शीघ्र देवी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर आपके समीप ले आता। मैं अपने बल से सहजता से आपका उद्देश्य पूर्ण कर देता। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया। वचन सर्वथा उचित है। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा, मेरे पुत्र पिताश्री, तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अदम सदैव। नहीं पिताश्री, पिताश्री, आपको अनसुना करता रहा। पिताश्री,
प्रभु राम दोनों को कोई कोई हानि नहीं होने देंगे। अब विदा लेने का समय आ गया भ्राता सुग्रीव। वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम 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 धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल राम अधर्मी के हैं काल चिर अहंकारी वाली दर्प कियो सदा बलशाली अंत काल कर राम तरस सौम्य भयो चित शांत सरस मारुति राम को नाम सुनाए वाली को दिए मोक्ष दिलाए दाता महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु मैं देखता आज सुग्रीव का रक्त बहेगा और आज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम Yeah!
उनका साथ देने वाले की ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं।